वेलकम बैक अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स यूनिट सेकंड का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लेके आपको लेके आए हैं अगला जो हमारा इसमें लेक्चर टॉपिक जो है कार्नोट इंजन की दक्षता। हम लोगों ने कार्नोट साइकिल की बात कर ली थी पहले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। दक्षता को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। एक्चुअल में दक्षता होती क्या है, जैसे आप मशीन नहीं होती क्या, ये पानी भरने की मोटर होती है, आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और ये पानी को क्या करती है, पंप करके ऊपर पहुंचा देती है। किसी को कोई आपने एनर्जी दी और उसको, जैसे आप बाइक चलाते हैं तो आप उसमें पेट्रोल देते हैं और बाइक क्या होती है, चलती है। तो इसका मतलब कोई इनपुट सोर्स दिया उसको और उससे कुछ कार्य हुआ, वही क्या कहलाती है दक्षता, या क्या कहलाती है एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी कि कार्नोट इंजन की दक्षता इंजन द्वारा किए गए कार्य तथा अवशोषित ऊष्मा का क्या होता है, अनुपात होता है। अब इसका मतलब एफिशिएंसी एक्चुअल में क्या है, कार्नोट इंजन की बात करें, कार्नोट साइकिल में या किसी और चीज की बात करें, कितना हमने इनपुट दिया और उससे कितना आउटपुट हमें प्राप्त हुआ, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। जैसे हम कार्नोट इंजन की रेस्पेक्ट में बात करें, ये हमारा सोर्स है, ये कार्नोट इंजन है, इसको मैंने हीट दी कितनी, Q1। अगर सिस्टम हीट लेता है तो कैसी आती है, पॉजिटिव मान, इसको Q1 दे दिया। कुछ को तो किसमें चेंज कर देगा, वर्क में, कुछ को या मैक्सिमम को कर देगा और कुछ को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। कोई भी इंजन 100% हीट को किसमें चेंज नहीं कर सकता, वर्क में। कार्नोट इंजन कर सकता है मैक्सिमम को, लेकिन 100% कोई भी इंजन एफिशिएंट नहीं होता। इसका मतलब उसको क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा, रिलीज कर देगा तो वो Q2। और मुझे पता रिलीज किस रूप में आती है, अगर सिस्टम हीट देता है तो नेगेटिव में आती है। ठीक है, जो ये सोर्स है जहां से हीट आ रही है उसका टेम्परेचर T1 है, और सिंक मतलब जहां ये हीट रिलीज कर रहा है, सिंक का एक्चुअल मतलब होता है एनवायरमेंट, पूरा जो यूनिवर्स होता है वो सिंक होता है, कोई चीज जो अपना सिस्टम के अलावा जो बच गई ना वो सारा का सारा, उसका टेम्परेचर कितना है, T2 है। तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, T1 या T2? ऑब्वियसली सी बात है, अगर हीट कब आए, कब फ्लो होगी, जब T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा, T1, क्योंकि मुझे पता हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से कहाँ होता है, लो टेम्परेचर की हो। ठीक है, इसका मतलब जो ये एफिशिएंसी होती है इसको ईटा या नीटा के तौर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको नीटा या ईटा भी बोल सकते हैं। क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना हमने उसको हीट दिया उसमें कितना उसको वर्क में चेंज किया। आउटपुट का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, और इनपुट का मतलब हमने इसको कितनी हीट दी है, Q1। मुझे पता है W की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, W की जगह मैं लिख सकता हूँ कि Q1 और Q2 का क्या अंतर, कि मतलब कितनी हीट इसने ली और कितनी रिलीज की, उसका जो वो है अंतर है वो क्या है, वही तो वर्क है, कि कुछ को तो इसने इसमें चेंज कर दिया और कुछ को रिलीज कर दिया, उसका W बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 - Q2। तो Q1 - Q2 अपॉन Q1 पहले से ही है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 - Q2 अपॉन Q1। ठीक है, इसको टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मुझे पता है कि सोर्स का टेम्परेचर क्या है, T1 - T2। T1 तो सोर्स का है और T2 किसका है, सिंक का। इन दोनों का अंतर अपॉन इनपुट, इनपुट का मतलब क्या, वर्क बराबर वही आएगा, जैसे वर्क बराबर Q1 - Q2 है, इसी प्रकार वर्क बराबर T1 - T2। टेम्परेचरों का अंतर, तो उसको टेम्परेचर हम लिख सकते हैं, T1 का मतलब इनपुट, क्योंकि T1 सोर्स का टेम्परेचर क्या है, T1 है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस वाले को और इस वाले इक्वेशन को मैं बराबर कर दूं तो क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1 और T2 अपॉन T1। अरे 1 से 1 कट जाएगा, तो Q2 अपॉन Q1 और T2 अपॉन T1। T1 यहाँ पर क्या है, अधिकतम ताप, मतलब किसका ताप, सोर्स का। Q2 क्या है, कम ताप, किसका ताप, सिंक का। कम ताप क्यों बोले, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है और सिंक का कम है, तभी हीट का फ्लो कहां से कहां होगा, इससे सोर्स से और कार्नोट इंजन की तरफ, और ये इधर को चली जाएगी। ठीक है, Q1 क्या है, अवशोषित ऊष्मा, क्योंकि Q1 ये ले रहा है इसलिए पॉजिटिव में। Q2 क्या है, उत्सर्जित ऊष्मा। ठीक है, कभी भी आप जब न्यूमेरिकल करते हैं कोई भी, तो जरूरी नहीं कि T1 T2, जो हाई टेम्परेचर है वो क्या है, किसका है, सोर्स का, और जो लो टेम्परेचर वो किसका है, सिंक का, क्योंकि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के लिए होता है। जो हीट पॉजिटिव में है वो तो सिस्टम ले रहा है या कार्नोट इंजन ले रहा है, और जो हीट नेगेटिव में उत्सर्जित कर रहा है वो क्या, वो किसमें आएगी, नेगेटिव मतलब वो सिंक की आएगी। ठीक है, इसका आप इसको समझ गए अच्छे से, एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें यह समझा कि जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की, वो किए गए कार्य और जो अवशोषित ऊष्मा का क्या होता है, अनुपात होता है। उसको दो तरीके से कभी कभार हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो उसको ऊष्मा के हीट की फॉर्म में भी कर सकते हैं और टेम्परेचर की फॉर्म में भी, जैसे Q1 - Q2 अपॉन Q1, जिसमें T1 - T2 अपॉन T1। कभी भी अगर आपसे परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में करने के लिए केवल किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपको परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, यदि 368 केल्विन तथा 288 केल्विन ताप के बीच अधिकतम कार्य इतना होता है, तो कार्नोट चक्र की कितनी ऊष्मा दी गई है, मतलब कार्नोट चक्र को कितनी ऊष्मा दी गई है, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है कि उसने कितनी हीट ली है, क्या न्यूमेरिकल लगेगा, क्या मतलब फॉर्मूला लगेगा। ईटा बराबर मैं लिख सकता हूं क्या, क्या W अपॉन Q1, और क्या दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं, इसका मतलब मैं अगर इसको इसको बराबर कर सकता हूं, क्योंकि ईटा बराबर W अपॉन Q1 होता है और ये नीटा बराबर ये भी क्या होता है कि T1 - T2 अपॉन T1, तो इसको लिख सकता हूं मैं T1 - T2 अपॉन T1। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे वर्क दे रखा है। अगर ये फॉर्मूला समझना है, सर फॉर्मूला हम कैसे लगाएं इसको,
ये बराबर होता है तो समझ आया ना, क्योंकि इसके ईटा के बराबर ये होता है। ईटा बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू वन होता है। कैसे फॉर्मूला यूज करना था इसमें, एक तो वर्क दे रखा था, दो टेम्परेचर दे रखे थे, तो वर्क दे रखा था और टेम्परेचर दे रखे थे, इसका मतलब फॉर्मूला यही बन रहा है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। वर्क दे रखा है डब्ल्यू कितना 895, क्या पूछी जा रही है हमसे हीट, कितनी ऊष्मा वो दी गई है उसको या ली उसने सिस्टम ने या कार्नोट इंजन क्यू वन। टेम्परेचर कितना दे रखा है टी वन 368, कैसे पैसा ना T1, क्योंकि हाई टेम्परेचर क्या होता है T1 ही होगा, क्योंकि वो लेगा सिस्टम, क्योंकि जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा हीट वहां से ही फ्लो होगी, तो हाई टेम्परेचर हमेशा T1। तो कितना 368 माइनस T2 कितना 288 अपॉन क्या T1 368। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहां लिखता हूं इसको मिटा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो ये Q1 को उधर पहुंचा दूं, Q1 बराबर क्या 895, ये इधर आएगा 368 और ये कितना आ जाएगा, इसको जब घटाएंगे शायद 80 आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करिएगा आप, देखो कितना आता है, मैं सॉल्व करता हूँ, करो सॉल्व इसको, ये लगभग 4100 के आसपास आएगा, ये 4117 कुछ आएगा है ना, आप देख लेना जूल में आ जाएगा, ठीक जूल में। कैसे किया, फॉर्मूला क्या लगा, ईटा बराबर डब्ल्यू अपॉन Q1 T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। क्यों लगा, क्योंकि दो टेम्परेचर दे रखे हैं, वर्क दे रखा है, हीट ली है इसने, वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अगर आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर आपसे परसेंटेज में एफिशिएंसी पूछा जा रहा है। टेम्परेचर अगर आप ये फॉर्मूला हमने लिखा था एक, इन दोनों को अगर ऐड कर देते तो इससे क्या होता, आपको एक हीट दे देता और दो टेम्परेचर दे देता, तो एक हीट पूछ लेता आपसे निकलने वाली है देने वाली, या दो तो ऊष्मा दे देता और एक टेम्परेचर दे देता, तो दूसरा टेम्परेचर पूछ लेता, तो Q2 अपॉन Q1 और T2 अपॉन T1 आपको याद रखना है दिमाग पर, ठीक है। इसको लिख लें फिर अपन आगे चलते हैं। तो हमारा अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी एक्चुअल में क्या है, पहले समझिएगा अच्छी तरीके से, एंट्रोपी क्या होता है। अगर हम एंट्रोपी को एकदम देसी में, बिल्कुल देसी भाषा में अपन जनरल इसमें देखें, तो एंट्रोपी एक रैंडमनेस होती है, किसी भी कोई भी जो सिस्टम है उसकी जो अव्यवस्था होती है उसका जो मापन है वही क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। जैसे जो फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है, इसी प्रकार जो सेकंड लॉ है वो जो लिख रहा है, वो मैं जो बोल रहा हूँ वही इसी टाइप का कुछ लिख रहा है, और जो सेकंड लॉ है वो क्या, एंट्रोपी के बारे में बताता है कि किसी भी यूनिवर्स में किसी जो सिस्टम है उसमें अव्यवस्था कितनी है, उस अव्यवस्था की माप ही क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। जितने भी स्वतः प्रक्रम होते हैं उनमें सब में एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही होती है, तभी वह स्वतः प्रक्रम होते हैं। कैसे, जैसा मैं कह देंगे ब्रह्मांड की एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ रही है, क्योंकि ब्रह्मांड में अव्यवस्था क्या हो रही है, ऑलवेज बढ़ रही है, ऐसा ना कुछ व्यवस्थित हो रही है, अव्यवस्था बढ़ती जा रही है, ओजोन छय हो रहा है, CO2 बढ़ रही है घट रही है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, इसका मतलब अव्यवस्थाएं बढ़ रही है, इसीलिए कहेंगे ब्रह्मांड की एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार कंटिन्यूस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जितने भी स्वतः प्रक्रम होते हैं जो अपने आप होते हैं, जिनको हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम भी बोलते हैं, क्योंकि अनुत्क्रम प्रक्रम स्वतः ही होते हैं, जो एक ही दिशा में चल रहे हैं, वो स्वतः ही, जैसे नदियां बह रही हैं वगैरह, उन सबकी एंट्रोपी क्या है, बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, जैसे कि दो गैसें हैं, दो गैसों को मैंने ऐसे पास में लाया तो अपने आप मिल जाएंगी, या मैं कुछ करता हूं अपने आप ही तो मिल जाती हैं, तो क्यों मिल जाती हैं वो गैसें आपस में, क्योंकि वो आपस में मिल जाएंगी तो रैंडमनेस है, अव्यवस्था क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर अव्यवस्था बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो डिसऑर्डरनेस है, रैंडमनेस होती है, उसकी माप क्या होती है, एंट्रोपी होती है। चलो हम इसको देख लेते हैं एक बार किस तरीके से। इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कोई इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो मैंने बोला है वही है कि किसी की अव्यवस्था का जो माप है या जो डिसऑर्डर है उसका जो मापन होता है वो क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती है। कैसे करती है, जैसे किसी क्लास में 4 बच्चे हैं तो जब वो उद्यम करेंगे तो व्यवस्था कम होगी, और किसी में 40 बच्चे हैं तो वो जब व्यवस्था करेंगे, उद्यम करेंगे, आवाज करेंगे तो व्यवस्था ज्यादा होगी, तो एंट्रोपी कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। तो डिपेंड ऑन मास, और जो मास पर डिपेंड करता है, पहले भी बात कर चुके हैं विस्तीर्ण या कैसे गुणधर्म एक्सटेंसिव क्या होते हैं, ज्ञान गुणधर्म क्या होते हैं, जो मास पर डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव, इसलिए एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस बारे में बात कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट लॉ है वो किसके बारे में बताता है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में, और सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है, एंट्रोपी के बारे में। सेकंड लॉ स्वतः प्रक्रम के बारे में बात करता है, स्वतः प्रक्रम क्या है, जो और अपने आप हो रहे हैं, और स्वतः प्रक्रम में एंट्रोपी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब जहां एंट्रोपी बढ़ती है ऑलवेज स्वतः प्रक्रम है, क्योंकि स्वतः प्रक्रम अपने आप हो रहे हैं, और अपने आप हो रहे हैं तो एंट्रोपी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। किसी भी निकाय के एंट्रोपी को ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन एंट्रोपी परिवर्तन को हम ज्ञात करते हैं, डेल्टा एस को कभी भी एस ज्ञात नहीं कर सकते। एस ज्ञात कर सकते हैं क्या एंट्रोपी, जैसे मैं बोलूं कि क्लास में सब बच्चे शांत बैठते थे और अचानक टीचर चला गया, एकदम आपने बच्चों को क्या आवाज करते हुए देखा, एकदम अव्यवस्थित हो गई, तो उस दौरान थोड़ा मैं ज्ञात कर सकता हूँ कितनी कितनी अव्यवस्था है, अव्यवस्था का मापन ही एंट्रोपी है। ये ज्ञात कर सकता हूँ कि पहले ये व्यवस्था थी और अब ये है, तो प्रारंभ में तो ये स्थिति थी और अब ये स्थिति, उन दोनों का अंतर ही तो ज्ञात कर सकता हूँ। ये इतना ज्ञात करता हूँ कि रैंडमनेस ही मुझे अव्यवस्था दिख रही है, ये देख लो कितनी अव्यवस्था है,
अरे इसको मापोगे, दिख तो रहा है लेकिन मापोगे कैसे? मापोगे तब के पहले तो ये सिचुएशन थी और अब ये सिचुएशन है, उन दोनों का अंतर। तो इसका मतलब एंट्रोपी को ज्ञात नहीं कर सकते, एंट्रोपी चेंज को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अगर हम इसको मैथमेटिकल रूप से देखें, एक लाइन और रहेगी कि यह अवस्था फलन है, ये स्टेट फंक्शन है, ये प्रारंभिक अवस्था और द्वितीय अवस्था पर निर्भर करता है। इस पर डिपेंड नहीं करता कि किस अवस्था से एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हो रहा है, कि लास्ट में जाके क्या हुआ और फर्स्ट में क्या था, उन दोनों का जो अंतर है वो क्या होता है, अवस्था फलन होता है, जो प्रारंभिक अंतिम अवस्था निर्भर करे। जैसे क्लास में जब अव्यवस्था फैली तो ये नहीं कि वो कैसे फैली, रीजन नहीं जाना, अव्यवस्था फैल गई और पहले क्या थी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या, एंट्रोपी चेंज है। तो एंट्रोपी चेंज किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे, इसीलिए स्टेट फंक्शन होता है एंट्रोपी। अगर इसको मैथमेटिकल रूप से देखें तो एंट्रोपी क्या होता है, ये तो एक थ्योरेटिकल रूप था, मैथमेटिकल रूप से ये है कि जब कोई सिस्टम उत्क्रमणीय रूप से ऊष्मा अवशोषित करता है और जिस ताप पर ऊष्मा अवशोषित करता है, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, एंट्रोपी चेंज कहलाता है। हमने लिखा है कि किसी तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय प्रसार से ऊष्मा अवशोषित की जाए और वह ऊष्मा जिस ताप पर अवशोषित होती है, उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, एंट्रोपी चेंज कहलाता है। इसीलिए डीएस बराबर डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, मतलब रिवर्सिबल रूप से एनर्जी अवशोषित कर रहा है। जैसे यदि किसी ने कहा टी ताप पर क्यू ऊष्मा अवशोषित करता है, तो जब ऊष्मा अवशोषित करेगा तो एक अवस्था दूसरे अवस्था में जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा एस बराबर एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, एस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रोपी को, और एंट्रोपी चेंज को डेल्टा एस से बराबर का जगह डी यू अपॉन टी। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल पर केल्विन, क्योंकि ऊष्मा की तो जूल और टेम्परेचर की क्या, केल्विन होती है। ठीक है, अगर मैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस में बात करूं किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, तो एंट्रोपी किसका, आप इसको याद ही नहीं करना कि जिसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी वहां एंट्रोपी कैसी होगी ज्यादा, मुझे बताया कि गैस के मॉलिक्यूल आपस में कैसे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं तो उनमें रैंडमनेस कैसी होती है ज्यादा, जबकि सॉलिड में तो पैकिंग बढ़िया होती है तो रैंडमनेस अव्यवस्था कैसी होती है कम, इसलिए सबसे कम जो एंट्रोपी वो किसकी होती है, सॉलिड्स की, फिर लिक्विड की, और फिर क्या, गैसेस की। ठीक है, इसको देख लें, अच्छे से लिख लें, फिर हम आगे हम बात कर लेते हैं एंट्रोपी चेंज उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कैसे परिवर्तित होती है, रिवर्सिबल में क्या इफेक्ट पड़ता है एंट्रोपी चेंज का, और इरिवर्सिबल में एंट्रोपी चेंज पे क्या इफेक्ट है, कैसे चेंज होती है। अगर आप वैसे ही देखना चाहें तो मुझे पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड भी जा सकता है, मतलब कोई जो सिस्टम है वो एक चेंज में, एक फेज में चेंज हो सकता है और वापस को चेंज हो सकता है। तो अगर आप वैसे ही देखें तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है अंतिम अवस्था, मतलब प्रारंभिक। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं, जो दोनों दिशाओं में चलते हैं, तो इसका मतलब फाइनल इनिशियल कंडीशन क्या होगी, सेम होगी, तो एंट्रोपी चेंज क्या आना चाहिए, जीरो, जीरो ही होता है। अभी हम प्रूव करके भी देखेंगे। अगर आप देखें कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या इरिवर्सिबल प्रोसेस मोनोडायरेक्शनल होते हैं, और मुझे बताएं कि जितने भी स्वतः प्रक्रम होते हैं ब्रह्मांड में, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय, जो एक ही दिशा में चलते हैं। और हमने भी बात की थी कि स्वतः प्रक्रमों की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, तभी वो स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि अव्यवस्थाएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। इट मीन्स अनुत्क्रमणीय प्रक्रम एक ही दिशा में चलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की एंट्रोपी क्या होगी, शून्य होगी या शून्य से ज्यादा होगी, शून्य से क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं अनुत्क्रमणीय, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम एक ही दिशा में चलते हैं, और स्वतः प्रक्रमों की कंपेरिजन करके देख रहे हैं, स्वतः प्रक्रमों की जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी प्रक्रम सामान्य तो उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में अव्यवस्था क्या होती है, बढ़ती है। और अगर एक ही दिशा में चल रहा है और अव्यवस्था बढ़ रही है तो अनुत्क्रमणीय है, इट मींस अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की जो एंट्रोपी है वो शून्य से क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रूफ करके देखते हैं कैसे हुआ। सबसे पहले रिवर्सिबल की बात करते हैं, और रिवर्सिबल की यदि निकाय तथा प्रवेश के द्वारा ऊष्मा का उत्क्रमणीय रूप से त्याग या ग्रहण की जाती है, निकाय मतलब सिस्टम है और प्रवेश मतलब जो पूरा जो सिस्टम के अलावा जो भी पूरा यूनिवर्स है वो प्रवेश कहलाता है, इसको हम सराउंडिंग बोल रहे थे। यह प्रक्रम एक निश्चित ताप पर हो, उसमें ली जाए या दी जाए और टेम्परेचर कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, तो निकाय द्वारा एंट्रोपी चेंज क्या होगा, वो डेल्टा एस सिस्टम, मतलब निकाय द्वारा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी निकाय द्वारा। अब सिस्टम में हीट लेगा या सिस्टम अगर हीट लेगा तो उस पर वो कैसी आएगी, हीट पॉजिटिव में आएगी। अगर अब कोई निकाय हीट लेगा तो उसको हीट देगा कौन, वो देगा परिवेश, जहां से वो हीट ले रहा है वो परिवेश कहलाता है, बाहर से हीट ले रहा है, तो परिवेश द्वारा एंट्रोपी चेंज क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, गणितीय रूप से भी हमने देखा था, लेकिन ऐसा साइन आएगा इसके साथ नेगेटिव, क्योंकि हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और जो हीट देता है उसके साथ कैसा चिन्ह आता है, नेगेटिव, और जो हीट लेता है उसके साथ कैसा चिन्ह आता है, पॉजिटिव। यहाँ सिस्टम क्या कर रहा है, हीट ले रहा है इसीलिए पॉजिटिव, और जो परिवेश है वो हीट क्या कर रहा है, सिस्टम को दे रहा है इसीलिए नेगेटिव। अगर मैं टोटल एंट्रोपी चेंज देखूं इस सिस्टम का, उत्क्रमणीय क्यों, क्योंकि एक बार सिस्टम और परिवेश, फिर परिवेश से फिर क्या, सिस्टम, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, जो परिवेश की एंट्रोपी है वो, और जो निकाय के सिस्टम की एंट्रोपी है वो, निकाय की कितनी है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी प्लस, और परिवेश की कितनी है, माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इट मीन्स प्लस करेंगे तो ये माइनस में, तो प्लस 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 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि किसी भी उत्क्रमणीय प्रक्रम की जो एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। कैसे हुआ आप लोग इसको प्रूव करके बता देंगे,
ये हम जो पढ़ा रहे हैं हम आपको नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे यूट्यूब पे, तो आप उसमें भी अच्छे से देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। मेन फोकस है समझाने पे और समझने पे, ठीक है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में बता चुका हूँ, क्यों शून्य से ज्यादा होती है। हम जानते हैं कि स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक दिशा में चलते हैं, और प्रक्रम सामान्य तो उसी दिशा में गति करते हैं जिधर व्यवस्था क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप से तभी होती है जब वो, जैसे आप, आपको ये करना है कि यार मुझे आज 6 घंटे पढ़ना है, मतलब आपको ये संभव है कि इतना आसान है क्या? बड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता। इसलिए स्वतः प्रक्रम क्या है, जो अपने आप हो रहे हैं और एक ही दिशा में हो रहे हैं, और उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दशा अव्यवस्था क्या होती है, बढ़ती है। और अव्यवस्था बढ़ती है तो एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि एंट्रोपी इज द किसका रेशो, एंट्रोपी रेंडमनेस का। इसीलिए मैंने बोला जिधर अव्यवस्था बढ़ती है अर्थात स्वतः प्रक्रमों की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। हम जानते हैं कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम एक ही दिशा में चलते हैं, इरिवर्सिबल, इसीलिए इनकी प्रारंभिक अंतिम अवस्था क्या होती है, समान नहीं होती। अरे एक दिशा में चलेंगे तो प्रारंभिक अवस्था अलग होगी और अंतिम अवस्था क्या होगी, अलग अलग होगी। अतः एंट्रोपी का मान क्या होता है, शून्य से अधिक होता है। इसीलिए मैं लिख सकता हूँ क्या, सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब टोटल एंट्रोपी क्या होगी अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की, शून्य से ज्यादा होगी। क्योंकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम अपने आप में क्या है, स्वतः प्रक्रम है, और स्वतः प्रक्रमों की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन जितने भी प्रकृति में प्रक्रम हो रहे हैं वो सारे स्वतः ही हो रहे हैं, उनकी एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तब तुम कहते हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अव्यवस्था बढ़ रही है क्योंकि उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। क्योंकि वो कैसा हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है, वो खराब न रहा है, उल्कापिंड गिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने आप ही हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है। तो अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, इसलिए एंट्रोपी का मान क्या आ रहा है, ज्यादा रहा है। सिस्टम की जीरो हो सकती है लेकिन परिवेश की जीरो नहीं होगी। टोटल मिला के ओवरऑल एंट्रोपी जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं जो एक ही दिशा में चलते हैं, उनकी एंट्रोपी हमेशा शून्य से क्या होगी, ज्यादा। और उत्क्रमणीय प्रक्रमों की एंट्रोपी हमेशा के बराबर होगी या क्या होगी, शून्य होगी। आप इसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक है वो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी सेकंड एग्जाम की दृष्टि से, क्लेसियस इनइक्वालिटी क्या होता है, क्लेसियस असमानता क्या होती है, ठीक है। क्लेसियस ये कहता है कि कोई भी जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, कोई भी कैसा भी हो सकता है, उसके लिए जो डी क्यू वाई टी का जो साइक्लिक समाकलन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो जीरो के बराबर होती है, जीरो से क्या होती है, कम होती है। ये कह रहा है किसी भी चक्रीय प्रक्रम के लिए डी क्यू अपॉन टी एंट्रोपी का ही फंक्शन है, डी क्यू अपॉन टी एंट्रोपी तो होता है, का चक्रीय समाकलन शून्य के बराबर है उससे क्या होता है, कम होता है। यहाँ डी क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे सिस्टम को कितनी हीट दी जा रही है, और टी क्या है, टेम्परेचर एट द पॉइंट ऑफ द हीट ट्रांसफर, मतलब ये कह रहा है के जो जो हीट दी जा रही है वो किस ताप पे दी जा रही है, वो टेम्परेचर है। मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश आपको लग रहा है ऐसा, दिक्कत वाली बात है नहीं, ये तो हीट है और ये क्या टेम्परेचर जो उसको दी, जिस टेम्परेचर पे हीट दी जा रही है और जिस पॉइंट पे जो जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो क्या है, डी क्यू है, ठीक है। इसको हम प्रूफ, ये कह रहा है कि इसका मान या तो जीरो के बराबर होगा, मान मतलब इसका साइक्लिक समाकलन चक्र जो साइक्लिक इंटीग्रल है वो या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से कम होगा। अब किस उत्क्रमणीय के लिए होगा, अनुत्क्रमणीय के लिए होगा, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, एक बात तो मैं अच्छे से जानता हूं, पहले कार्नोट साइकिल से मैं पढ़ चुका हूं कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, उत्क्रमणीय प्रक्रम की या अनुत्क्रमणीय की, उत्क्रमणीय। क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो क्योंकि कार्नोट साइकिल भी एक्चुअली खुद उत्क्रमणीय ही प्रक्रम पे बेस्ड है, सारे प्रोसेस उत्क्रमणीय ही होते हैं, क्योंकि जो हीट लेता है वो मैक्सिमम कार्य में चेंज कर देता है, कौन, उत्क्रमणीय प्रक्रम। इसलिए एफिशिएंसी भी किसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा कार्य करेगा। इसीलिए रिवर्सिबल की एफिशिएंसी क्या होती, ज्यादा, नीटा से रिप्रेजेंट किया था, और रिवर्सिबल कैसी होती है, कम। किसके द्वारा किया गया कार्य ज्यादा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा, उत्क्रमणीय प्रक्रम के द्वारा, रिवर्सिबल के द्वारा। अगर किया गया कार्य ज्यादा है तो उत्सर्जित हीट किसकी ज्यादा होगी, जिसने क्या ज्यादा किया है, कम किया है। अगर किसी ने हीट को ज्यादा से ज्यादा वर्क में काम में ले लिया तो उत्सर्जित हीट कैसी होगी, कम होगी। इसीलिए उत्सर्जित हीट किसकी कम होगी, उत्क्रमणीय की। देखो हम कैसे इसको समझते हैं, ये मेरे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। ये कैसे है, इस ये वाला जो भाग है इसका टेम्परेचर माना T1 है, और इस तरफ का जो भाग है ये वाला माना इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। इनके बीच में दो इंजन लगे हुए हैं, ठीक है, एक तो रिवर्सिबल इंजन लगा है और एक इरिवर्सिबल, ठीक है। एक तो रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय इंजन लगा हुआ है, वो अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। ये कैसे इसको प्रूफ करते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं, दोनों के लिए समान हीट पास की जा रही है, Q1 और Q1, ठीक है। ये जो कार्य करता है उसको बोल रहे हैं W रिवर्सिबल, और ये जो अनुत्क्रमणीय जो इंजन है वो कार्य कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, W इरिवर्सिबल, ठीक है। ये कुछ हीट को तो कार्य में चेंज कर देगा और कुछ को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। उत्क्रमणीय प्रक्रम जो हीट को रिजेक्ट कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, Q2, और जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो हीट को रिजेक्ट कर रहा है उसको Q2 इरिवर्सिबल नाम दे रहे, क्योंकि सेम हो जाता है ना, इसलिए इरिवर्सिबल। किसका टेम्परेचर ज्यादा है, T1 या T2 का, T1 का, क्योंकि T1 का ज्यादा होगा तभी हीट का ट्रांसफर होगा। तो ये तो उत्क्रमणीय साइकिल के लिए Q1 हीट दी, और अनुत्क्रमणीय के लिए भी दी। उत्क्रमणीय कार्य में चेंज कर रहा है तो हीट कम रिलीज होगी, कि उत्क्रमणीय प्रक्रम का किया गया कार्य कैसा होता है, ज्यादा, तो रिलीज होने वाली जो हीट होगी वो कैसी होगी, कम होगी, कुछ ज्यादा ज्यादा काम में ले लिया। जबकि अनुत्क्रमणीय जो इंजन है या प्रक्रम है वो कार्य कैसा करता है, कम, तो रिजेक्ट हीट कैसी होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि कार्य कम करेगा तो ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। इसलिए Q2 रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है। उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम के लिए देखो कैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी, जीरो से कम होगी। क्या कर दूं मैं इसका साइक्लिक इंटीग्रल बोल रहा है, तो चक्रीय समाकलन कर दूं। DQ/T का मतलब क्या है, Q1 / T1,
क्योंकि ये हीट और ये टेम्परेचर, तो डी क्यू वन अपॉन टी वन और डी क्यू टू अपॉन टी टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्यू वन अपॉन टी वन माइनस क्यू टू अपॉन टी टू। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्यू वन अपॉन टी वन और क्यू टू अपॉन टी टू क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि दोनों दिशाओं में चलेगा ना उत्क्रमणीय प्रक्रम, तो यहाँ पे टी वन की प्रॉपर्टी वो टी टू की और जो क्यू वन की हीट की प्रॉपर्टी वो टी टू क्यू टू की, क्योंकि ये भी रिजेक्ट हो जाएगी जब उत्क्रमण चलेगा और ये टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा जब इस दिशा से इस दिशा में चलेगा, तो ये जो क्यू वन अपॉन टी वन और क्यू टू अपॉन टी टू क्या होंगे, सेम होंगे फॉर उत्क्रमणीय प्रक्रम, क्योंकि दोनों दिशा में चलते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों सेम होंगे तो रख देंगे सेम होंगे तो जीरो। अगर इसका समाकलन करेंगे इस वैल्यू का तो क्या आएगा, जीरो। इसीलिए क्या होगा, किसी भी उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम के लिए डी क्यू बाई टी का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, हम देख चुके हैं, क्योंकि क्यू वन अपन टी वन क्यू डी क्यू अपन टी का मतलब क्यू वन अपन टी वन और क्यू टू अपन टी टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू वन अपन टी वन माइनस क्यू टू अपन टी टू। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ये जो टेम्परेचर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी ये ज्यादा बन जाएगा अगर इधर से इस दिशा में जाएगा, और ये वाली जो क्यू वन हीट है ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हीट हो जाएगी। इट मीन्स क्यू वन अपॉन टी वन और क्यू टू अपॉन टी टू क्या होते हैं, सेम होते हैं फॉर उत्क्रमणीय प्रक्रम, इसीलिए वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो होगी तो डी क्यू बाई टी का मान क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसीलिए डी क्यू बाई टी का चक्रीय समाकलन जीरो किसके लिए आता है, फॉर उत्क्रमणीय प्रोसेस, साइक्लिक उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए। अनुत्क्रमणीय के लिए देखते हैं हम लोग, इरिवर्सिबल के लिए डी क्यू बाई टी। अब मुझे बताओ Q2 रिवर्सिबल की जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो बर्बाद हो रही है, ये किसके बराबर होगी, Q2 और Q डिफरेंस, क्योंकि जो Q2 इसकी हीट होगी ये इससे ज्यादा, जो इसका अंतर है, मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर मैं Q2 इरिवर्सिबल को क्या लिख सकता हूं, Q2 प्लस Q डिफरेंस लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये रिलीज हो रही है, इसका मान किसके बराबर हो सकता है, Q2 के बराबर, और Q2 और Q2 से क्या ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा रिलीज होगी, तो उसको कैसे बताएंगे कि Q2 रिवर्सिबल का मान कैसा होगा, मतलब कितना होगा, तो Q2 जो रिलीज हुई रिवर्सिबल में और कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि ये कैसी रिलीज हो रही है, ज्यादा रिलीज हो रही है, समझे ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Q2 बराबर Q2 रिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय बराबर Q2 प्लस Q डिफरेंस, जो Q2 और Q2 रिवर्सिबल और Q2 में जो डिफरेंस है वो, तो इसका मतलब Q2 रिवर्सिबल का मान कैसा है, ज्यादा, क्योंकि इसमें वैल्यू जुड़ रही है, इसलिए Q2 रिवर्सिबल ज्यादा जन Q2। क्यों होता है, हम बात कर चुके हैं, क्योंकि जो रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क तो कम करता है, एनर्जी जो हीट है उसको क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसको रखोगे वही Q1 अपॉन T1 जब हीट दी जा रही है माइनस Q2 अपॉन T2, Q2 इसकी कौन सी है, Q2 इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए देख रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे तो Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2, Q2 यहाँ कौन सा है, इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय वाला, और Q2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, Q2 प्लस Q डिफरेंस, क्योंकि ये ज्यादा है, इसीलिए Q2 में कुछ वैल्यू जोड़ेगी तब इसका मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि Q2 रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है। इसको यहाँ रखोगे तो Q1 अपॉन T1 इसकी जगह क्या रखोगे, Q2 प्लस Q डिफरेंस, तो ये Q2 अपॉन T2 माइनस में आएगा ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, और क्यू डिफरेंस अपॉन T2, इसको जब अब जैसे कि ये माइनस में यहाँ कैसा होता है, प्लस, ये तो प्लस में ही है वैल्यू, अरे प्लस में ही है, टेम्परेचर दोनों के नीचे सेम आएगा ना, क्योंकि Q2 की जगह रखा है, Q2 रिवर्सिबल की जगह मैंने ये रख दिया, तो यही तो आएगा कि नहीं आएगा, कोष्ठक को खोलोगे दोनों नेगेटिव, ये वाली वैल्यू Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2 क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, तो ये तो जीरो आ गई, तो ये वैल्यू बच गई, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ/T किसके बराबर आ जाएगा, माइनस क्यू डिफरेंस अपॉन T2 बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। इट मीन इसका मान ये नेगेटिव मान है, तो जीरो से ज्यादा है कि जीरो से कम है, जीरो से कम है, इसीलिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ/T इक्वल टू जीरो किसके लिए आता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ/T किसके लिए आता है, मतलब जीरो से कम किसके लिए आता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, क्योंकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ये जो एक्स्ट्रा हीट होती है किस रूप में आती है, नेगेटिव रूप में आती है। इट मीन्स DQ/T का जो चक्रीय समाकलन है वो जीरो से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। अब इसको अगर आपको ऐसा लगा थोड़ा तेज हुआ है तो वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके वापस करके इसको देख सकते हैं, ये हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, अच्छे से देखिए और पहले वाला लेक्चर अच्छे से पढ़िएगा, तब आपको अच्छे से और समझ में आने वाला। थैंक यू।